तो कैसे मैंने अपनी कोडाईकनाल की ट्रिप को बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से और सस्ते में कंप्लीट किया, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कोडाईकनाल की पूरी आइटनरी वो भी बजट के साथ बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई व्लॉग्स। शुरुआत से शुरू करते हैं और आज फिर एक यूनिक टॉपिक को कवर करते हैं। तो कैसे हो सारे, बढ़िया? तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज के इस वीडियो में मैं आपको कोडाईकनाल की पूरी आइटनरी वो भी बजट के साथ बताने वाला हूँ। जैसे ऊटी को क्वींस ऑफ हिल स्टेशन कहते हैं, वैसे ही कोडाईकनाल को प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन कहते हैं। तो इसी प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन को आज हम जाने वाले हैं, तो मुंबई से हमारी जर्नी होने वाली है। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैं कोडाईकनाल 3 नाइट्स एंड 4 डेज के लिए गया था। मैंने मुंबई के ठाणे स्टेशन से नगर कॉइल एक्सप्रेस का टिकट बुक करवा रखा था, जो कि तमिलनाडु के कोडाईकनाल रोड स्टेशन से होके जाती है। और कोडाईकनाल रोड स्टेशन से कोडाईकनाल की दूरी बस 93 किलोमीटर की है। तो मेरी ट्रेन जर्नी लगभग 30 आवर्स की थी, जिसमें मैंने स्लीपर कोच का टिकट बुक करवा रखा था, जिसका कॉस्ट मुझे 650 रुपीज पड़ा। तो सुबह के 4 बजे कोडाईकनाल रोड स्टेशन आ जाता है और स्टेशन के बाहर से ही मुझे बस मिल जाती है कोडाईकनाल की, जो लगभग 5 बजे निकलती है और जिसका फेयर मुझे 90 रुपीज लगता है। कोडाईकनाल में मैंने अपना स्टे हॉस्टल में बुक करवा रखा था, जहाँ का पर नाइट का कॉस्ट मुझे 799 रुपीज पड़ रहा था। तो पहले दिन रेडी होकर मैं चला जाता हूँ कोडाईकनाल सिटी के साइट सीइंग टूर के लिए, और ये टूर मैंने यहाँ के बस स्टॉप से ही बुक करवाया था। और आपको भी यहाँ पर बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स एंड उनके ऑफिसेस मिल जाएंगे, जहाँ से आप लोग भी बस 500 रुपीज में ये टूर बुक करवा सकते हो। तो इस टूर में लगभग 9 प्लेसेस इंक्लूड थी और ये लोग आपको होटल से पिकअप भी देते हैं। तो जिसमें सबसे पहले हमें लेकर जाते हैं कोकर्स वॉक, जहाँ से इस वैली का बड़ा ही खूबसूरत व्यू नजर आ रहा था। फिर हम चले जाते हैं ला साला चर्च, जो कि कोडाईकनाल का सबसे ओल्ड चर्च है, लगभग 137 ईयर्स ओल्ड। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हम पहुंच जाते हैं अपर लेक व्यू, जहां से कोडाईकनाल लेक और सिटी का खूबसूरत व्यू मुझे नजर आता है। फिर हम पहुंच जाते हैं ग्रीन वैली व्यू को देखने के लिए, पर यहां मौसम पूरा बारिश वाला हो गया था, तो वैली व्यूज नजर नहीं आ रहे थे, पर इस मौसम का भी एक अलग ही मजा था। फिर हमें लेकर जाते हैं पाइन फॉरेस्ट, ये वही जगह है जहाँ बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग हो चुकी है, और यहाँ पर आप हॉर्स राइड का भी मजा ले सकते हो। हर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के बाहर आपको स्टॉल्स नजर आ जाएंगे, जहाँ से आप मैगी, पकोड़े, भुट्टा खा सकते हो। फिर हम पहुँच जाते हैं यहाँ की सबसे फेमस प्लेस, जिसपे रिसेंटली मंजूमल बॉयज मूवी भी आया है, तो ये है डेविल्स किचन गुना केव। यहाँ आज तक बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ये केव जितनी खूबसूरत लगती है उतनी ही खतरनाक है। इस केव के अंदर एक व्यू पॉइंट बना रखा है, जहाँ से आपको पिलर्स रॉक का भी व्यू देखने मिलेगा। और इस टूर में हमें जितनी भी प्लेसेस घुमाई गई, उनके एंट्री टिकट्स का चार्ज उन 500 रुपीज में ही इंक्लूड था। और यहाँ पर आपसे ड्राइवर 130 रुपीज एक्स्ट्रा मांगता भी है, जिसे ये लोग फॉरेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो इस टूर का टोटल कॉस्ट 630 रुपीज पड़ता है। फिर हमें ये ड्रॉप करते हैं कोडाई लेक के पास, जहाँ का माहौल बहुत ही बढ़िया था। यहाँ पर भी आप हॉर्स राइड, शॉपिंग और साथ में लेक के अंदर बोटिंग भी कर सकते हो। तो मैंने भी 100 रुपीज देकर यहाँ पर बोटिंग का मजा उठाया। और सबसे मेन क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा, तो आप में से बहुत लोग सोचोगे कि हम खुद की प्राइवेट व्हीकल लेकर जाकर घूमे तो कैसा होगा। ये ऑप्शन भी बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि आप हर एक स्टॉप पर ज्यादा देर टाइम स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि मैंने टूर बुक किया था तो लिमिटेड टाइम हमें मिल रहा था। बट अगर आप खुद की व्हीकल लेके जाओगे तो ज़्यादा टाइम भी मिलेगा, पार्किंग वगैरह हर जगह अवेलेबल है। और रही बात खुद वहाँ पर टैक्सी बुक करके घूमने की, तो वहाँ पर टैक्सी का चार्ज बहुत ज़्यादा है, 3 किलोमीटर्स का 300 रुपीज चार्ज लगता है। तो उससे अच्छा आप टूर ही बुक कर लेना, टूर बुक करके जाओगे तो सस्ता भी पड़ेगा और ज़्यादा घूम भी सकते हो। यहाँ पर बाइक रेंट एंड कार रेंट का ऑप्शन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आपको वेज एंड नॉनवेज रेस्टोरेंट हर जगह मिल जाएंगे, पर मैं यहाँ के प्योर वेज अस्टोरिया रेस्टोरेंट में ही खाना खाता था, जहाँ की साउथ इंडियन थाली सच में बहुत टेस्टी थी। फिर नेक्स्ट डे अगेन मैं बस स्टॉप से और एक टूर बुक करवा लेता हूँ, जो कि यहाँ का सबसे फेमस टूर भी है। तो इस टूर की शुरुआत होती है पलानी व्यू पॉइंट से, जहाँ से वैली का खूबसूरत व्यू मुझे देखने मिलता है। इस टूर के लिए भी मैंने 700 रुपीज पर पर्सन पेड किए थे। फिर हम यहाँ से महालक्ष्मी टेम्पल के दर्शन करके पहुँच जाते हैं पुमराई विलेज व्यू पॉइंट, जहाँ से सच में एक अनोखा व्यू देखने मिलता है। यहाँ पर ये लोग इतने हाइट पर पहाड़ों पर खेती भी करते हैं। फिर हम जाते हैं कुलनथाई वेलप्पर टेम्पल, जो कि भगवान कार्तिकी का है, एंड ये टेम्पल 3000 साल पुराना है। इस टेम्पल के बाहर आपको गार्लिक यानी लहसुन का मार्केट भी देखने मिल जाएगा। फिर हम पहुंच जाते हैं टूर के लास्ट लोकेशन
मन्नावनूर लेक व्यू पॉइंट, जहाँ पर हमें शीप एंड रैबिट फार्म भी देखने मिलता है। और सच में यहाँ मुझे बहुत अलग अलग टाइप्स के रैबिट भी देखने मिलते हैं। कोडाईकनाल जितना फेमस अपने टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए, उतना ही फेमस हो यहाँ के चॉकलेट्स के लिए भी है। तो आप यहाँ से बहुत सारे चॉकलेट्स भी खरीद के लेकर जा सकते हो। तो कोडाईकनाल में 3 days and 4 nights स्पेंड करने के बाद मैं फिर से मुंबई की ओर निकल पड़ता हूँ। तो सुबह लगभग 7 बजे मैं कोडाईकनाल के बस स्टॉप से बस पकड़ लेता हूँ मदुराई की, जो कि मुझे मदुराई छोड़ देती है। मदुराई में आपको बहुत ज्यादा फेमस टेम्पल यानी कि मीनाक्षी टेम्पल भी देखने मिलेगा। तो अगर आपकी ट्रेन लेट होगी तो आप जरूर मीनाक्षी टेम्पल के दर्शन करके जाना। कोडाईकनाल में सबसे बेस्ट टाइम है घूमने का अप्रैल टू जून, जब यहाँ पर समर्स होते हैं, और दूसरा वक्त है आफ्टर मानसून यानी कि सितंबर टू नवंबर। तो आप इन मंथ्स में यहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हो। साल में आप कभी भी जा सकते हो कोडाईकनाल घूमने के लिए, क्योंकि वहाँ का मौसम सच में बहुत ज्यादा बढ़िया रहता है और होटल्स वगैरह भी आपको इजीली मिल जाएगी। तो होटल का भी टेंशन मत लेना, बस 1500 रुपीज़ में 2 लोगों के लिए होटल तो आराम से मिल ही जाएगी। मैं तो हॉस्टल में रुका था इसलिए मैंने 799 रुपीज़ पेड किए थे, बट अगर आपको होटल चाहिए तो होटल भी मिल जाएगा। सो गाइज, आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, जाकर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो यही थी कोडाईकनाल की आइटनरी, जो कि मैंने आपको बता दी है, और बजट भी बहुत ज़्यादा कम में हमने इस जर्नी को कंप्लीट कर लिया। तो आने वाले नेक्स्ट सीरीज़ में आपको शायद इंडिया या फिर इंटरनेशनल सीरीज़ देखने के लिए मिलेगी, तो उसके लिए भी रेडी रहना। तो मिलता हूँ जल्दी मैं आपको एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।